रिलायंस जियो ने रविवार को 1 दिसंबर से अपने प्रीपेड टैरिफ में 21% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की। भारत के सबसे बड़े मोबाइल ऑपरेटर की घोषणा भारतीय एयरटेल और वोडाफोन द्वारा टैरिफ बढ़ोतरी को लागू करने के कुछ दिन बाद आई है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने पिछले हफ्ते अपने प्रीपेड प्लान टैरिफ में 25% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की थी। दरों में वृद्धि के बावजूद जियो ने एयरटेल और वोडाफोन की तुलना में योजनाओं में कीमत कम रखी है। कंपनी ने अभी भी जियो फोन यूजर्स के लिए 28 दिनों की वैधता योजना के लिए अपनी सबसे कम 91 रुपये रखी है, जो कि निजी दूरसंचार ऑपरेटर में सबसे कम है। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने 28 दिनों की वैलिडिटी वाले एंट्री लेवल प्लान को बढ़ाकर 99 रुपये कर दिया है। नई योजनाएं 1 दिसंबर 2021 को लाइव होंगी और मौजूदा टच पॉइंट और चैनलों से चुनी जा सकती है। कंपनी में 15 योजनाओं में टैरिफ बढ़ोतरी की, जिसमें से एक जियो फोन उपयोगकर्ताओं के लिए, 11 अनलिमिटेड प्लान में और 3 डेटा टॉपअप की श्रेणी में शामिल है। अनलिमिटेड प्लान कैटेगरी में जियो ने 28 दिनों की वैलिडिटी वाले सबसे सस्ते प्लान की कीमत 129 रुपये से बढ़ाकर 195 कर दी है। 84 दिनों की वैलिडिटी वाले सबसे सस्ते अनलिमिटेड कैटेगरी की कीमत फिलहाल 329 के बजाय 399 रुपये कर होगी। 84 दिनों की वैधता के साथ दैनिक 1.5 GB दैनिक डेटा उपयोग की पेशकश करने वाले लोकप्रिय असीमित श्रेणी की योजना वर्तमान में 555 रुपये से लगभग 20% बढ़ाकर 686 रुपये हो जाएगी। कंपनी ने घोषणा की कि 4G स्पीड पर 2 GB डेली डाटा यूसेज ऑफर करने वाले उसके एनुअल अनलिमिटेड कैटेगरी प्लान की कीमत फिलहाल 2,399 रुपये के बजाय 2,879 रुपये होगी। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए वायरल झारसुगुड़ा, द वन यू ट्रस्ट। आपके ही शहर के मेन रूट से गुजरते वक्त आपकी नजर जरूर कभी न कभी सोनी ज्वेलर्स पे पड़ी होगी। यहाँ हर प्रकार के सोने एवं चांदी के जेवरात मिलते हैं। कभी आने का कष्ट उठाए और हमें सेवा का मौका दे, धन्यवाद।